तो दोस्तों इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का डिमांड काफ़ी हाई चल रहा है। इसका वेटिंग पीरियड टाइम है 8 वीक्स का। अगर इस स्कूटर को आप आज बुक करते हैं तो ये आपको डिलीवरी 8 हफ्ते के बाद देंगे। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, आप कंपनी का वेबसाइट चेक कर सकते हैं। और इस स्कूटर का डिमांड हो भी क्यों ना, मैं बात कर रहा हूँ ओकिनावा आई प्लस प्लस इलेक्ट्रिक स्कूटर का। इसमें आपको रेंज बहुत ही ज़्यादा मिल जाता है और कंपनी ने सेफ्टी फीचर्स का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखा है। तो आइए देखते हैं अब इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का स्पेसिफिकेशन। तो इस स्कूटर में आपको मिल जाता है BLDC हब मोटर जिसका रेटेड पावर है 1000 वाट। और इस स्कूटर में आपको पीक पावर मिल जाएगा 2500 वाट का और इसका टॉप स्पीड है 58 किलोमीटर तक का। मेरे भाई ये स्कूटर हाई स्पीड स्कूटर है तो इसके लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी और रजिस्ट्रेशन भी करवाना होगा। और डेली यूज़ के लिए ये स्पीड काफ़ी अच्छा है। अगर आप 58 या 60 के स्पीड में चलेंगे तो स्कूटर आपके कंट्रोल में रहेगा और रेंज रिलेटेड भी कोई कंप्लेन नहीं होगा आपको, क्योंकि इस स्कूटर में आपको 139 किलोमीटर तक का रेंज मिल जाता है। ओकिनावा ने बहुत ही अच्छे से ध्यान रखा है। ज़्यादातर स्कूटर में आपको इतना रेंज के लिए डबल बैटरी पैक का ऑप्शन लेना पड़ता है, पर इस स्कूटर में आपको सिंगल बैटरी ही ये कमाल दिखा देगा। और इसका बैटरी पैक का कैपेसिटी है 72 वोल्ट 40 Ah 3.3 किलोवाट लिथियम आयन बैटरी पैक। ये बैटरी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और सबसे बड़ी खास बात ये है ये डिटैचेबल बैटरी है। आप कोई सा भी फ्लोर पे रहते हैं वहाँ आप इजीली इस बैटरी को ले जाके चार्ज कर सकते हैं, आपको चार्जिंग रिलेटेड कोई इशू नहीं आएगा। और फुल चार्ज होने में इस स्कूटर को लगते हैं 4 से 5 घंटे। और सबसे खास बात यह है इस स्कूटर में आपको ऑटो कट फंक्शन मिल जाता है जो बैटरी को ओवरहीट होने से बचाएगा, आपका बैटरी सेफ रहेगा। शुरुआत में मैंने आपको सेफ्टी फीचर्स के बारे में बताया था, तो इस स्कूटर पे आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं क्योंकि इसका ब्रेकिंग सिस्टम बहुत ही अच्छा है। इसमें आपको फ्रंट में भी डिस्क ब्रेक मिल जाता है और रियर में भी डिस्क ब्रेक मिल जाता है। और इसमें EABS का भी सपोर्ट आपको मिल जाता है जो ब्रेकिंग में काफ़ी माहिर है। जहां आप ब्रेक मारेंगे वहीं स्कूटर रुकेगा, तो ये खास फीचर्स है इस स्कूटर में। और इस स्कूटर का सस्पेंशन भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है आपको। फ्रंट में आपको मिलता है हाइड्रोलिक टेलीस्कोपिक सस्पेंशन और इसके रियर में आपको मिलता है डबल शॉकर। और इस स्कूटर को क्लाइंबिंग टेस्टेड किया गया है, आप किसी भी बम्पर पे इजीली पार कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इस स्कूटर से। इस स्कूटर में आपको एल्युमिनियम के अलॉय मिल जाते हैं 12 इंच के ट्यूबलेस टायर के साथ। टायर ट्यूबलेस है मतलब पंचर का भी झंझट खत्म। और सबसे बड़ी बात यह है ज़्यादातर स्कूटर में आपको 10 इंच के टायर मिलते हैं, पर इस स्कूटर में आपको 12 इंच का टायर मिलता है जो सेफ्टी के मामले में बहुत ही अच्छा है। बात करें इसके फीचर्स की तो इसमें आपको डिजिटल स्पीडोमीटर मिल जाता है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है, साइड स्टैंड सेंसर मिल जाता है, LED हेडलैम्प मिल जाता है विथ DRLs, मोबाइल ऐप कनेक्टिविटी मिल जाता है और भी बहुत सारे फीचर्स है। अगर मैं गिनवाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा। और सबसे बड़ी बात यह है इसमें आपको रोड साइड असिस्टेंट भी मिल जाता है। इस स्कूटर में आपको 3 साल का वारंटी मिलता है बैटरी और मोटर पे और 30,000 किलोमीटर रनिंग का भी वारंटी मिलता है। मतलब जो पहले हो जाएगा, या तो 3 साल का वारंटी आपका पहले पूरा हो जाए या आप 30,000 किलोमीटर चला दो, तो ये इस हिसाब से इसका वारंटी आपको मिलता है। इस स्कूटर का एक्स शोरूम प्राइस है 99,708 रुपये और सिर्फ 20,000 रुपये दे के आप इस स्कूटर को प्री बुक कर सकते हैं। इस स्कूटर में आपको 46,500 रुपये तक का सब्सिडी मिल सकता है और इसका पूरा पैसा आपको पहले देना होगा। जैसे मान के चले स्कूटर का जो एक्स शोरूम प्राइस है और जो सब्सिडी अमाउंट है, ये दोनों पैसा आपको देना होगा। मतलब 1,46,205 रुपये आपको पहले देने होंगे और बाद में आपको 46,500 रुपये रिटर्न मिल जाएगा 45 दिन के अंदर। ये आप समझ सकते हैं जैसे आपको सब्सिडी अमाउंट मिलता है, जैसे आप गैस सिलेंडर बुक करते हैं तो 3 या 4 दिन के बाद जैसे आपको सब्सिडी अमाउंट आपके अकाउंट में आ जाता है, तो ये भी सब्सिडी कुछ वैसे ही काम करता है। क्योंकि स्कूटर का प्राइस काफ़ी ज़्यादा होता है इसीलिए ये दोनों पैसे आपको देने पड़ते हैं। अगर आप इस स्कूटर को EMI पे लेना चाहते हैं तो अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल पे इंटरेस्ट रेट चल रहा है 11% का, तो उस हिसाब से आप अगर इस स्कूटर को 3 साल के लिए लेना चाहते हैं तो इस स्कूटर का मंथली EMI आएगा 3,314 रुपये जो आपको हर महीने
देने होंगे। उम्मीद है आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे जान सकते हैं। अगर आपको ये ओकिनावा का स्कूटर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।